हेलो फ्रेंड्स, आज हम टमाटो की प्यूरी बनाएंगे जिसे हम स्टोर करके रख सकते हैं कि जब हमें यूज़ हो तो हम उसे डायरेक्टली निकाल के यूज़ कर सकें। रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे, प्रिजर्वेटिव भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। टमाटो प्यूरी के लिए सबसे पहले हम फ्रेश टमाटो को अच्छे से वॉश करके इनको कट करेंगे, धो लेंगे अच्छे से। ये अप्रॉक्स 1 किलो टमाटर मैंने वॉश करके रखे हैं। अब ये कुकर में सीटी हम लगवा चुके हैं। अब इसे हम अच्छे से मैश करेंगे छाने में, क्योंकि साथ साथ इसके बीज भी हम छानते रहेंगे। अच्छे से प्रॉपर मैश करना है हमें, ताकि इसका पल्प और बीज हमारा जो है वो ऊपर ही रह जाए और इसके सिर्फ जो हमारी प्यूरी है वो हमारे नीचे बर्तन में छनती रहे साथ के साथ। ये देखिए प्यूरी हमारी। अब ये प्यूरी को हमने गाढ़ा होने तक इसमें पकाना है। तो जब तक ये हमारी जैसे प्यूरी की शेप में नहीं आती, अभी तो ये थोड़ा पतली है, थोड़ा थिक होगी, तब तक हम इसे पकाएंगे। यहाँ पर प्यूरी हमारी गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है, अभी थोड़ी सी और पकेगी है। अभी हल्की सी हुई है गाढ़ी, ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा पर इसमें आ गया है। प्यूरी हमारी बन चुकी है और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो ये ख़राब ना हो, इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा सोडियम का जो हमारा पाउडर होता है वो विम से ऐड करेंगे। जैसे अगर हमारा 1 किलो टमाटर है तो उसमें हमने 1/4 चम्मच जो है इसमें सोडियम डालेंगे। ये ख़राब नहीं होगी, कितने भी टाइम तक आप इस प्यूरी को रख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर किसी कंटेनर में इसको स्टोर करके हम रखेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। अच्छे से मिक्स होगा ये, 2 मार्केट वाली प्योरी हमारी ये बनके तैयार है। जैसे जब हमारे टमाटर जो है 200-300 रुपए किलो मिलते हैं तो ये हम प्योरी पहले बना के रख सकते हैं, और जब हमारे टमाटर जो है महंगे हो जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आराम से आप अपने फ्रिज से निकालिए और अपनी सब्जी में टमाटर की प्योरी का आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप टमाटर यूज़ ना कर सकें, तो आप इसको ज़रूर बना के स्टोर करके रखिएगा। आपको अच्छी लगेगी ये, आपके पैसे भी बचेंगे क्योंकि काफ़ी सस्ती होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।